इधर ग्वालियर में मंत्री ने एक अनोखी पहल की है। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की अनोखी पहल सामने आई, जहां मंत्री ने सिविल अस्पताल के बाहर टेंट में रात गुजारी है। कोरोना मरीजों के इलाज की निगरानी के लिए उन्होंने टेंट लगाया। हर रोज मरीजों के इलाज की व्यवस्थाओं का जायजा मंत्री लेंगे। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने एक टेंट लगा लिया है और इस टेंट में ही सिविल अस्पताल के बाहर टेंट में उन्होंने रात गुजारी है। सिविल अस्पताल में कोविड के मरीजों का इलाज चल रहा है, वे मरीजों के इलाज की निगरानी के लिए वहीं टेंट लगाकर पूरी रात सोडियम जो है ना उन्होंने वहीं गुजारी है। जिम्मेदारी स्मार्ट सिटी की भी है। सबसे बात करना चाह रहे हैं मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, जो अपने अलग अलग अंदाज के लिए जाने पहचाने जाते हैं। कभी वो खुद सफाई करने जुड़ जाते हैं, कभी जनसेवा के लिए। उनके अनोखे तरीके हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। और एक और ये उनकी पहल इस वक्त चर्चा में है। नासिर गौरी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। नासिर, मंत्री सिविल अस्पताल के बाहर टेंट लगाकर क्या संकेत और संदेश और क्या स्थिति सिविल अस्पताल में अभी है कि मंत्री वहां बैठे हैं? देखिए प्रति, लगातार ये उनका तीसरा दिन है जब कोविड की रोकथाम के लिए, यानी कि लगातार वो कोविड के जो मामले लगातार ग्वालियर संभल संभाग में बढ़ रहे हैं उसको लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और उसी के तहत कल उनको पूरा दिन भर हो गया था। और उसके बाद उन्होंने रात में ये फैसला लिया कि अगर जैसे कोई व्यक्ति या मरीज या अटेंडर कोविड के जो पेशेंट जो भर्ती है उनसे मिलने के लिए आता है या कोई दिक्कत आती है तो वो अस्पताल में गुजारेंगे और अस्पताल के बाहर टेंट लगाकर वो उसमें लेते हैं। और उसके बाद कोई भी व्यक्ति आएगा तो इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि ग्वालियर चंबल में, खासकर ग्वालियर की बात करते हैं तो 1200 से ज्यादा आंकड़ा हर रोज पार हो रहा है। ये पांचवा दिन है जब ग्वालियर में जब 1200 से ज्यादा आंकड़े कोरोना संक्रमित के मिले हैं। और एवरेज के मुताबिक देखें तो 7-8 मौतें रोज हो रही है। तो ऐसे में मंत्री तोमर लगातार उसमें निगाह बनाए हुए हैं। और कल पूरा दिन भर उनको हो गया था कि बैठक के लिए कोविड के सेंट्रल कमांड सेंटर में बैठे, कोविड के जो पेशेंट थे उनके परिजनों से बातचीत करी फोन पर, उनके वीडियो कॉलिंग से बातचीत करी, जो लोग एडमिट थे घरों पर आइसोलेट थे उन लोगों से बातचीत करी। और इसी तरीके से वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सक्रिय भी रहें। शुक्रिया आपका नासिर जानकारी के लिए। सरकार की व्यवस्थाएं जो अच्छी चल रही है और अच्छी करने की कोशिश करूंगा, इसलिए मैं आज सिविल हॉस्पिटल, मैं मेरी खुद की, मैंने अपने आप की ड्यूटी लगाई है कि यहाँ रात्रि में रहूंगा और कोई मरीज को अगर तकलीफ परेशानी होगी तो यहाँ मैं मौजूद हूँ। इसलिए आप सभी लोग बेफिक्र होके अपने घरों पे सोएं, पर ये जरूर तय करके उठें कि सवेरे कल हम उठेंगे, मास्क जरूर लगाएंगे और 2 गज की दूरी जरूर करेंगे।